Hello everyone, welcome back. Today we'll be discussing about the one and only salt NaHCO3, not the only, but one of the salts NaHCO3, which is also known as baking soda in this video. In the next video, we'll be discussing about so this was the baking soda. Next, we'll be discussing about washing soda, which is sodium carbonate Na2CO3.10H2O. तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर बेकिंग सोडा का. बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम, NaHCO3 उसका केमिकल नेम. ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसके लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या जरूरी होते हैं. तो जो तुम्हारे पास NaHCO3 होता है उसके लिए रॉ मटेरियल्स तुम्हें जरूरी होते हैं. सबसे पहला सोडियम कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट NaCl, सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन. तो तुम्हें NaCl चाहिए, सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ब्राइन. ब्राइन क्या है? कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl. फिर तुम्हें चाहिए वाटर, तो चाहिए ही होगा, H2O, करेक्ट. और चाहिए तुम्हें अमोनिया, NH3, करेक्ट. तो ये हो गया तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हो गया NaCl, ये हो गया तुम्हारा अमोनिया, और ये तुम्हारा वाटर. ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट का क्या करना है. तो कैल्शियम कार्बोनेट को पहले हमने हीट करना है. हमने पहली जो हमारा वीडियो था डीकम्पोजिशन रिएक्शन वाला, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर में, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम डीकम्पोज करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हीट, इट फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हो गया हमारा जो हमें चाहिए. हमें कैल्शियम कार्बोनेट से एक्सट्रैक्ट करना है कार्बन डाइऑक्साइड. क्यों? क्योंकि हम कार्बन डाइऑक्साइड फूंक के तो डालेंगे नहीं उसमें, तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से चाहिए होगा. तो हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया. अब क्या करना है, NaCl लिया, सोडियम क्लोराइड इन एक्वा स्टेट प्लस H2O. और ये जो तुम्हारा ब्राइन था ना, ये पहले से सैचुरेटेड था विद द हेल्प ऑफ अमोनिया. ठीक है, हमने इस सॉल्यूशन को पहले से सैचुरेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ अमोनिया. और इसमें जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास किया तब ये बनता है सोडियम हाइड्रोजन NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl. ठीक है, ये हमारा एक बाय प्रोडक्ट है, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है जो हमें जरूरी था. ये एक प्रेसिपिटेट है. क्यों प्रेसिपिटेट है? क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. भले इसमें तुम्हें चार दिख रहे हैं, चार कॉम्पाउंड दिख रहे हैं, मगर ये है एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसमें NaHCO3 एक प्रेसिपिटेट है जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है. ठीक है, और NaHCO3 हमें रिक्वायर्ड है. अब देखो एक और रिएक्शन होता है जब हम NaHCO3 को हीट करते हैं. NaHCO3 को जब तुम हीट करते हो तब तुम्हारा बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस हाइड्रोजन प्लस प्लस वाटर एंड CO2. तो जब तुम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट करते हो तुम्हें सोडियम कार्बोनेट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. एंड दिस कार्बन सोडियम हाइड्रोजन सोडियम कार्बोनेट इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा, जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. ठीक है, Na2CO3.10H2O. हम इसके बारे में, ये .10H2O क्या है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे. इसे हम अभी देते हैं, ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, वो सॉल्ट के साथ क्यों जुड़ते हैं, एनहाइड्रस सॉल्ट, हाइड्रस सॉल्ट क्या होते हैं, और तुम्हारा पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिप्सम के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं. इस वीडियो के लिए इतना ही. इसके यूजेस हम डिस्कस कर लेते हैं NaHCO3 के. तो ये होता है तुम्हारा बेकिंग सोडा. बेकिंग सोडा तुम्हें पता चल रहा है कुछ खाना पकाने वगैरह से रिलेटेड है. ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ बेक करना है. तो तुम्हारा जो NaHCO3 है, हम NaHCO3 को यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जो बेकिंग सोडा है. बेकिंग सोडा से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं. अब बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर को तुम खाने में डालते हो तब वो फ्लफी टाइप का बन जाता है, जो स्पंजी होता है. तो बेकिंग पाउडर की हेल्प से बनता है, बेकिंग सोडा की हेल्प से नहीं. तो पहला, ये जो सॉल्ट है NaHCO3, ये बेसिक सॉल्ट है, माइल्ड बेसिक सॉल्ट है, यानी बहुत हार्मफुल नहीं है. मगर अगर तुम इसे खाते हो तो ये बहुत बिटर लगता है, बहुत कड़वा लगता है, इसलिए हम यूज नहीं करते हैं इसे. तो इसके कड़वाहट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, माइल्ड बेस है, एसिड हमारा बेसिक है, बिटर है. तो बिटर से हमें थोड़ा सा सावर टेस्ट के तरह ले जाना है ताकि बिटर थोड़ा सा घट जाए और वो थोड़ा सा न्यूट्रल साइड में आ जाए, ज्यादा कुछ असर ना पड़े. तो इसके लिए हम हल्का सा माइल्ड एसिड ले लेते हैं. वो एसिड होता है हमारा टार्टरिक एसिड. टार्टरिक एसिड का हम यूज करते हैं, ये होता है हमारा टार्टरिक एसिड, जिसको हम यूज करते हैं NaHCO3 को थोड़ा उसकी बिटरनेस कम करने के लिए. अब कैसे लिखोगे, क्योंकि तुम्हारा NaHCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन,
हाइड्रोजन आयन क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ टार्टरिक एसिड का यूज नहीं किया जाता, हम इधर नीचे ब्रैकेट में लिख देंगे फ्रॉम एनी माइल्ड एसिड। ये याद रखना है कि तुम्हें माइल्ड लिखना है, फ्रॉम एनी माइल्ड एसिड। कोई भी एसिड ही स्ट्रॉन्ग एसिड ले लोगे तब तो भाई क्रोजी बन जाएगा तुम्हारे लिए। माइल्ड एसिड लेना है, ना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना ही ज्यादा कम। अब जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा एक सॉल्ट बनेगा एनए सॉल्ट, एनए का एक सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट ऑफ एनए, ठीक है। और ये सॉल्ट ऑफ एनए बनेगा ना, यही होता है तुम्हारा बेकिंग पाउडर। ये जो सॉल्ट ऑफ एनए बना है बेकिंग पाउडर होता है, ठीक है। अब इसके साथ साथ तुम्हारा क्या क्या बनेगा, NaHCO3 में जब तुम डालोगे हाइड्रोजन का आयन तब तुम्हारा बनेगा H2O और वाटर भी, H2O और CO2 प्लस H2O, H2O प्लस CO2, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा मेन लास्ट टॉपिक जो था तुम्हारा प्रिपरेशन ऑफ बेकिंग पाउडर, जिसका मेन यूज है, जो एग्जाम्स में बहुत बार आ जाता है। तो यही था इस वीडियो के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमने पहले ही बता दिया।